भारत के सचिन के प्यार का फितूर सीमा पर ऐसा चढ़ा कि वो लगभग 1200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से यहां खींची चली आई। इश्क की ये कहानी दिलचस्प तो है ही, साथ ही कई नजरिए से संदिग्ध भी है। लिहाजा यही वजह है कि लोग सीमा हैदर को शक की नजरों से देख रहे हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सचिन में ऐसा क्या है कि सीमा उसके प्यार में इतनी मतवाली हो गई कि अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। खैर, इसकी वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो ही सत्य है। लेकिन सत्य तो ये भी है कि सीमा हैदर सचिन से पहले भी गुलाम हैदर से प्यार कर बैठी थी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। सीमा ने गुलाम से ऐसा प्यार किया कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास चली गई। दरअसल ये दावा गुलाम हैदर ने खुद किया है, हालांकि सीमा का इस पर कुछ और ही कहना है। उसके घर वालों ने गुलाम से जबरदस्ती शादी कराई थी, लेकिन सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने जो सबूत दिए हैं वो सीमा की कहानी को झुठला रहे हैं। दरअसल मीडिया की खबरों की माने तो गुलाम हैदर ने सीमा से अपनी शादी की न सिर्फ कहानी सुनाई बल्कि कानूनी दस्तावेज भी शेयर किए। कोर्ट के मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा एक एफिडेविट भी है। इस एफिडेविट में सीमा ने घर से भागकर गुलाम से शादी करने की बात कबूली है, साथ ही अपने अब्बू अम्मी को लालची बताया है। इस दस्तावेज पर नजर डालते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं सीमा रजा, गुलाम रजा की बेटी, मेरी जाति रिंद है, उम्र 19 से 20 साल, मैं मूल रूप से जिला खैरपुर तालुका कोट दिजी गांव की रहने वाली हूँ। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया। वजह, मेरे माँ बाप बेहद लालची हैं, जबरदस्ती मेरा निकाह ऐसे लड़के से कराना चाहते थे जो बिगड़ा हुआ और लोफर है। अब्बू अम्मी का घर छोड़कर 10 दिन पहले मैं जिला जैकोबाबाद तालुका गढ़ी खैरों के अमीर जान जाखरानी के घर आ गई। यहाँ मैंने अमीर जान के बेटे गुलाम हैदर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। मैं कसम खाती हूँ कि ये एफिडेविट मैंने बिना किसी दस्तावेज या डर में लिखा है। इतना ही नहीं, इस पर गुलाम हैदर और सीमा रजा दोनों के साइन भी हैं। भारत के कई मीडिया संस्थानों से बात करते हुए हैदर ने यह भी बताया था कि जब सीमा अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ गई तो सीमा कहने लगी कि पहले कोर्ट मैरिज कर लें, फिर घर वालों को मनाएंगे। मैं इश्क में था, मैंने पहले निकाह किया फिर कोर्ट मैरिज की। निकाह के 2-3 महीने बाद ही सीमा ने मुझसे कराची में रहने के लिए कहा। मैं अपना परिवार छोड़ कराची आ गया। हैदर दावा करते हैं कि मैं जब कमाने खाने के लिए विदेश चला गया तो हर महीने सीमा को 70-80 हजार रुपए भेजता था। 1.5 साल पहले सीमा ने घर मांगा तो मैंने 16 लाख रुपए भेजे। हमने एक कमरे का घर खरीद लिया, फिर उसने कहा घर बहुत छोटा है इसलिए इसे किराए पर उठा देते हैं, जिसके बाद वो खुद किराए पर बड़े घर में रहने लगी। गुलाम हैदर का आरोप है कि सीमा ने उनसे 10 मार्च को ही 3 लाख रुपए लिए थे। सीमा का अकाउंट उस वक्त नहीं चल रहा था इसलिए ये उन्होंने किसी जानने वालों को भेजे थे। उसने कहा था कि उसका मक्का आने का मन है, कहा था कि कुछ दिन सऊदी में रहना चाहती है। मैंने दोस्तों से पैसे उधार लेकर उसे भेजे थे। हालांकि सीमा के मुताबिक 10 मार्च को ही वो सचिन से मिलने के लिए नेपाल आई थी ताकि तसल्ली कर ले कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सीमा ने यह भी कहा था कि उस वक्त 3 लाख रुपए सचिन पर खर्च किए थे, यानी इस मुलाकात के लिए पैसे खर्च हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुलाम हैदर ने यह भी बताया कि सीमा ने 8 मई को 70 हजार का एक मोबाइल भी खरीदा था। उसने 5 हजार रुपए चुकाए थे और बाकी किश्तों में देने के लिए कहा था। वो इंडिया चली गई तो दुकानदार ने मुझे फोन किया। लेकिन इतना सब होने के बाद गुलाम हैदर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बीवी बच्चों को वापस लाकर ही रहेंगे। गुलाम हैदर ने भारत सरकार, मोदी योगी सरकार से भी सीमा और चारों बच्चों को उसके पास भेजने की गुहार लगाई है। गुलाम का कहना है कि जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं होती सरकार मेरे बच्चों और बीवी को अपनी कस्टडी में रखे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।